तो चलिए अब हम 14 के टेबल को सीखते हैं अपनी दूसरी ट्रिक से। नंबर्स वही सेम है कि हमको 3, 6, 10 और 13 को स्किप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल काउंटिंग लिखेंगे, जैसे कि 1, 2, स्किप 3, 4, 5, स्किप 6, 7, 8, 9, स्किप 10, 11, 12, स्किप 13 और 14। अब ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको 4 का टेबल आता हो, जैसे कि पहले हमें 2 का टेबल चाहिए था ट्रिक 1 में और यहाँ पर हमें 4 का टेबल चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4, 8, 12 में हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 16 में हम 6, 20 का हम सिर्फ 0 लिखेंगे। अगेन यहाँ पर 4, 8, 12 में हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 16 का हम सिर्फ 6 लिखेंगे और 20 का हम 0 लिखेंगे। आई होप आपको ये दोनों ही ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आए हों, और इन ट्रिक में से आपको जो भी ट्रिक इजी लगे आप उस ट्रिक को अप्लाई करके 14 का टेबल बना सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो। लर्निंग क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द ट्रिक ऑफ टेबल 14। और आज मैं आपको 14 की टेबल दो ट्रिक से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ट्रिक से सिखाती हूँ। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 का टेबल आना चाहिए और आप ध्यान रखें कि आपको 3, 6, 10 और 13 को स्किप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल काउंटिंग लिखेंगे, देखिए जैसे कि 1, 2, स्किप 3, 4, 5, स्किप 6, 7। अब यहाँ आ जाएंगे हम, 7 के बाद हमको जो लिखना है वो है 8, 9, स्किप 10, 11, 12, स्किप 13 और 14। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी है कि आपको 2 का टेबल आता हो। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, और अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एम शेप में याद करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, हम 10 में सिर्फ 0 लिखेंगे। अगेन 2, 4, 6, 8, 0। तो देखिए कितना इजी रहा ना 14 का टेबल। तो आई होप आपको ये टेबल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ।